मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्थ इंटरनेशनल स्कूल। आज आपकी क्लास 8 की है। नेशनल नंबर से चैप्टर चल रहा था फर्स्ट मैथ्स के अंदर, ठीक है। उसकी सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट नंबर क्या होते हैं, नंबर्स में अपन ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं वो बताया था, रियल नंबर बताए थे, रेशनल रिलेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको समझाया था, ठीक है। अब आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली कहती है कि आपने कोई भी दो नंबर लिए, ठीक है, अगर वो नंबर जैसे ए और बी है और उसका आंसर सी आया है, ए बी अगर सी आया है, अगर ए आपका नेचुरल है, बी भी नेचुरल है, तो सी भी नेचुरल होगा, ठीक है। ए आपका होल है, बी भी होल है, तो सी भी होल होगा। ए आपका इंटीजर है, बी आपका इंटीजर, सी भी इंटीजर होगा, ठीक है। और इस प्रकार से, ठीक है, तो ये चीजें चलती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इस प्रकार से, ठीक है, ये आपकी कौन सी चीजों के ऊपर किस किस प्रकार से लागू होती है, किस पे लागू नहीं होती है वो अपन समझेंगे इस टेबल के मार्फत, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बता रखा आपको, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी के थ्रू क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। तब तो हम क्या बोलेंगे कि एडिशन के अंदर जो है नेचुरल नंबर जो है वो क्लोज है अंडर एडिशन, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं आता है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। क्लोजर प्रॉपर्टी के जो सब्ट्रैक्शन पार्ट है उसमें नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज, ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन होता है नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर ही आता है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर अगर नेचुरल नंबर डिवाइड होता है नेचुरल नंबर से और नेचुरल नंबर नहीं आता है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ये इस प्रकार से आपको सीखना है। यही चीज आपके होल नंबर पे लागू होगी और ये आपके इंटीजर पे होगी। तो पहले अपन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर, समस्त संख्या है, क्योंकि और इंटीजर्स होते हैं उनको लेके सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन नेचुरल नंबर्स वाले कॉन्सेप्ट आएंगे कि इसमें ये चीजें जो है किस प्रकार से लागू होती है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर में मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, 1 और 3। नेचुरल नंबर आपके 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं तो आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने 1 और 3 लिया, आंसर क्या है, 4। अब आपका ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, आंसर भी नेचुरल नंबर कहां है, इसका मतलब राइट, ठीक है। यानी एडिशन जो है नेचुरल नंबर जो है आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर में मैंने लिया 0 + 5। होल नंबर होता है तो 0 + 5 आपका क्या आ जाएगा, 5। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी क्या आपका होल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर में -3 + 2, -3 नेगेटिव इंटीजर है और +2 आपका पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों को मैंने ऐड किया था, आंसर क्या आ गया, -1। ये भी आपका इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये भी इंटीजर, इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। एडिशन में सारे के सारे क्लोज होंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैंने एक नेचुरल नंबर वही सेम लिया 1, उसमें से माइनस कर दिया, दूसरा नेचुरल नंबर सेम 3, तो 1 - 3 आपका क्या होता है, माइनस का जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, वो एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो मेरा तो आंसर था नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती। फिर होल नंबर की बात करते हैं तो 0 - 5, ये होल नंबर, ये होल नंबर, आंसर आ रहा है -4, इंटीजर। यहां पे भी होल नंबर नहीं आया तो इसका मतलब होल नंबर्स आर आल्सो नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल नंबर के सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती है। फिर अपन इंटीजर्स के अंदर देखते हैं तो -3 इंटीजर लिया, उसमें से मैंने माइनस किया प्लस कर दो, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस होंगे, -5 बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो आंसर इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर से करने का इंटीजर ही आता है। इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इंटीजर के सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे नेचुरल नंबर लिया मैंने, दूसरा नेचुरल नंबर लिया, माइनस इंटीजर का, तो क्या होना चाहिए, 3 आ रहा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां से आपको भी एग्जांपल लेके देखना, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। फिर अपन होल नंबर में देखेंगे तो 0 * 5 क्या हो जाएगा, 0 होगा, मैक्सिमम भी हो सकता है 0, होल नंबर 5, होल नंबर 0 भी होल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब होल नंबर सारा होगा तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है। फिर इंटीजर यदि तो इंटीजर करके देखते हैं तो माइनस का इंटीजर प्लस का इंटीजर, 3 * 6 - का इंटीजर आ रहा है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यानी यस। तो
आपके जो ये है मल्टीप्लिकेशन और टोटल नंबर इंटीजर्स आर टोटल नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है। फिर डिवीजन में देखते हैं, दो नेचुरल नंबर लिए मैंने 1 और 2, इसको डिवाइड किया 1 में कितना है, तो 1/3 हो जाएगा। ये आपका पेपर की फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म आ गया जैसे नंबर के तरह, ठीक है। तो मतलब कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर नॉट टोटल नंबर डिवीजन, इसका मतलब टोटल प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की डिवीजन पे लागू नहीं होती है। फिर होल नंबर में देखते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहां पर आंसर होगी। मगर 2 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, ये तो होल नंबर है, तो क्या आ जाएगा 2 बाय 5, तो यहां पे नहीं होगी। इसका मतलब कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यहां पे टोटल प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर की डिवीजन पे भी लागू नहीं होती है। फिर अपन देखते हैं इंटीजर्स के अंदर, तो इंटीजर में आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का इंटीजर डिवाइड होना प्लस के इंटीजर से, माइनस से बाय हो जाएगा, माइनस से बाय 2 वैल्यू आ जाएगी -1.5। अब ये डेसिमल में चला गया, तो इंटीजर में डेसिमल्स नहीं होते, नेगेटिव नंबर आएगा और या पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये भी लागू नहीं होगा। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के डिवीजन पे लागू नहीं होती है। तो ये अपन ने पढ़ा था कि इंटीजर नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि जो अपना टॉपिक है रेशनल नंबर्स का, क्या उसमें ये प्रॉपर्टी लागू होती है क्या, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसलिए मैं टाइम लगा के समझा रहा हूँ कि ये आपके कैलकुलेशन के अंदर ये चीजें आएंगी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे बिना प्रॉपर्टी या उसको समझे फॉर्मूले को समझे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको भी यार क्वेश्चन गलत होगी। तो एडिशन के अंदर आप देखते हैं, तो मैंने एक रेशनल नंबर लिया 1/2 प्लस दूसरा रेशनल नंबर लिया 3/2, जब मैंने दोनों को ऐड किया तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर के एलसीएम में 2 आ जाएगा, 1+3 का कितना हो जाएगा 1+3, पर न्यूमरेटर्स होते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है और न्यूमरेटर जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर ऐड करने के 1+3 का हो जाएगा 4, 4+1 हो जाएगा। अब 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, यानी डिवाइड हम में लिख सकता हूं, इसका मतलब कि रेशनल नंबर्स आर होल अंडर एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर इज होल अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर के एडिशन पे लागू होती है, यानी दो रेशनल नंबर का आंसर रेशनल नंबर में आता है, ठीक है। फिर अपन सबट्रैक्शन के केस में देखते हैं, 1/2 मैंने माइनस किया 3/2 से, 2 आपका कॉमन डिनोमिनेटर है तो नीचे को आ जाएगा, 1 से ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 कितना देगा -2, -2/2 कितना देगा -1, -1 को कितना देगा -1/1 लिख सकता हूं, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ये तो भी हो सकता है चेक क्लास हो -0, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे भी राइट आ रहा है, तो इंटीजर्स ये आपके रेशनल नंबर जब सबट्रैक्ट होता है एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर से सबट्रैक्ट होता है तो आंसर भी रेशनल नंबर में आता है। इसका मतलब वी कैन से रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर के सबट्रैक्शन पे लागू होती है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन में तो चेक करेंगे, तो एक रेशनल नंबर लिया मैंने 1/2, दूसरा रेशनल नंबर लिया 3/2, मल्टीप्लाई किया 1/3 हो जाएगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4। आपका आंसर क्या है 3/4, 3/4 क्या होता है 3/2 की फॉर्म होती है, ये रेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई होता है और आंसर रेशनल नंबर में आता है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज पे लागू है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल होती है रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। फिर डिवीजन के केस में देख लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पहली जो टर्म होती है एसएससी जाती है 1/2, सेकंड टर्म जो होती है वो एसिक्यूटेड हो जाती है और जो ऑपरेटर होता है डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 × 2/3 हो जाएगा, फिर से ऊपर नीचे करेगा 1/3 × 1/3 हो जाएगा, यानी मैंने एक रेशनल नंबर लिया था तो उसको 4 से डिवाइड किया था दूसरे रेशनल नंबर से, तो जो मेरा आंसर आया वो भी क्या आया रेशनल नंबर आया। तो यहां पे ऐसा लग रहा है डिवीजन की रेशनल नंबर जो है वो डिवीजन रेशनल नंबर का डिवीजन की दूसरे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लागू होती है। बट अगर आप मैं 0 ले लेता हूं, 8/0 या रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 की कोई टेबल नहीं होती है, ठीक है। जब टेबल नहीं होती तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड में है ना तो आंसर क्या है, आंसर क्या है ना तो रेशनल है या क्या क्या पता चलेगा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहां पे आके गलत हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो डिवीजन है रेशनल नंबर का इज नॉट क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, या क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो अपनी यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को मैंने आपको समझाने की कोशिश करती है। इसके जो ड्राइविंग के जो क्वेश्चंस हैं यहां पे ये आपको टेबल फिल करनी है होमवर्क के अंदर, ठीक है। मैं आपको मेंशन कर सकता हूं होमवर्क आपका, ठीक है। तो आपका ड्राइविंग की टेबल होगी कि ये आपको फिल करनी है, ठीक है। ड्राइविंग टेबल फिल करनी है जो आपको कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर 4 पे है, ठीक है। ये आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन अगली प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे, जो है वो पढ़ेंगे।